हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली। आप सबको मेरे चैनल आई लव गार्डनिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल एवरग्रीन प्लांट को लाई हूँ और इसका नाम है स्पाइडर प्लांट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबको दिखाऊंगी कि आप किस तरह से इस स्पाइडर प्लांट की देखभाल करेंगे और किस तरह से आप आपके घर में या गार्डन में लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। और दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। स्पाइडर प्लांट खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही फायदेमंद भी होते हैं। एक तो ये प्लांट बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और इसकी ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है और आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। आप इसको घर के अंदर लगा सकते हैं, घर के बाहर लगा सकते हैं, किसी जगह पर ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है क्लोरोफाइटम कोमोसोम और इस प्लांट की बनावट एक मकड़ी की जैसे है, इसीलिए इस प्लांट का नाम स्पाइडर प्लांट पड़े है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इसको कैसे हम देखभाल करेंगे। अगर आपके घर में थोड़ी कम धूप आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर आपके पास बालकनी है और ज़्यादा धूप पड़ने वाले टेरेस है तो वहाँ पर भी ये प्लांट बहुत ही बढ़िया ग्रो होते हैं। इसे आप हैंगिंग बास्केट में या छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। तो जहाँ पर भी लगाएंगे ये बहुत ही बढ़िया ग्रो हो जाएगी। और स्पाइडर प्लांट को ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। जब देखेंगे मिट्टी के ऊपर की भाग पूरे सूख गए हैं तब आप इसमें पानी देंगे तो भी ये बहुत ही बढ़िया ग्रो होती रहेगी। स्पाइडर प्लांट एयर प्यूरीफायर का काम भी करता है। स्पाइडर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको आप घर में अगर रखते हैं तो घर की जो प्रदूषित वायु है उसको प्यूरीफाई करते हैं, यानी कि घर के मौजूद हवा में 95% जो विषैली गैस होते हैं उसको ख़त्म करते हैं। और इसीलिए लोग घर के अंदर में इस स्पाइडर प्लांट को जगह देते हैं। और दोस्तों, अगर आपके घर में पालतू कोई जानवर है या छोटे बच्चे हैं, अगर इस प्लांट को हाथ भी लगाते हैं तो कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। कोई भी प्लांट अंदर में लगाने से पहले उस प्लांट के बड़े अच्छे से जांच कर ली जाना बहुत ही अच्छे है, क्योंकि हमारे घर पर पालतू रहते हैं या बच्चे रहते हैं, इसलिए तो इस बात के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप इंडोर साइड में इस स्पाइडर प्लांट को ग्रो करते हैं। और दोस्तों, स्पाइडर प्लांट को घर की अंदर अगर रखी जाए तो घर की सुंदरता और भी बढ़ जाते हैं। इस प्लांट को घर के अंदर लगाने के लिए नासा भी रिकमेंडेड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एयर को प्यूरीफाई करते हैं, घर में जो खराब वायु होते हैं उसको प्यूरीफाई करते हैं। और दोस्तों, इस स्पाइडर प्लांट में छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं और वो देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। तो स्पाइडर प्लांट एक ही साथ में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि घर को सुंदर बनाते हैं और एयर को प्यूरीफाई करते हैं, और जब इसकी फ्लावर्स होते हैं तो ब्यूटीफुल और भी बन जाते हैं वो जगह। तो इतने सारे गुण हैं जब इस स्पाइडर प्लांट में, तो घर में ज़रूर इस प्लांट को ग्रो कीजिए। तो अब चलिए, इस प्लांट को किस तरह से ग्रो करना है वो मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। यहाँ पर जो स्पाइडर प्लांट्स आप लोग देख रहे हैं ये मैंने 2 दिन पहले लगाई है, तो देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। और दोस्तों, ये जो स्पाइडर प्लांट लगे हुए हैं ये मैंने पीवीसी पाइप में लगाई है और इसकी बहुत सारे पप्स निकले हैं, ये देखिए। तो इसी पप से ही मैं छोटे छोटे स्पाइडर प्लांट्स को अलग करके दूसरे पॉट में लगाती हूँ। तो ये देखिए कितने सारे पप्स हुए हैं और ये देखने में स्पाइडर की तरह लगते हैं, इसीलिए ही इस प्लांट का नाम स्पाइडर प्लांट पड़े है। बहुत ही इजीली ये ग्रो भी हो जाते हैं, तो मैंने कई सारे जगह पर इस पप्स को लगाई है और पत्ते के मिडिल से इसके स्टिक निकलते हैं, ये देखिए। और ये एकदम ख़राब हो गए हैं और टूट भी गए हैं। तो इस स्टेम में जितने भी प्लांट्स हैं मैं सभी को
आज ले जाऊंगी ऊपर गार्डन में और इसको लगा दूंगी पॉट में, तो मैं आप सबको वो दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सारे प्लांट्स हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो मिडिल में पत्ते होते हैं उसके मिडिल से ही ये स्टिक निकलते हैं, और देखिए मिडिल के पत्ते कितने हरे भरे हैं और बहुत ही अच्छे हैं, तो यहाँ से ही निकलते हैं ये स्टिक। तो अब चलिए गार्डन में चलते। तो प्लांट्स को लगाने के लिए पहले मिट्टी को तैयार कर लेते हैं पॉट में, और इस पॉट में मेरे कुछ छोटे छोटे प्लांट्स थे तो वो मर गए हैं, इसीलिए मैं इसी पॉट में ही एक स्पाइडर प्लांट को लगाऊंगी। और मेरे जो स्पाइडर प्लांट की पॉट है वो अभी बहुत ही बिग साइज़ के हो गए हैं और उसे रिपॉट करना बहुत ही ज़रूरी है, और मैंने बटल में लगाई है उस प्लांट को, तो उसको मैं इस पॉट में लगा दूंगी। और छोटे छोटे जो पप्स को लाई हो उसको मैं दूसरी पॉट में लगाऊंगी। तो सब कुछ अभी दिखाऊंगी आप सबको। और किसी भी मिट्टी में ये स्पाइडर प्लांट ग्रो हो जाते हैं बहुत इजीली, सिर्फ मिट्टी को वेल ड्रेन रखना है। तो मेरे इस पॉट में मैंने अभी दे दी है वर्मी कंपोस्ट, इसके साथ मिला लेती हूँ। और आप कुछ भी कंपोस्ट इस मिट्टी में मिला सकते हैं, किचन कंपोस्ट, गोबर की खाद, जो भी आपके पास है वो मिला सकते हैं। ये सभी तरह की कंपोस्ट में बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। अब मैं दे रही हूँ ये केले के छिलके, इसको मैंने कंपोस्ट बनाई है, और इसकी भी मेरे पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो देखिए मैं और एक चम्मच यहाँ पर केले के छिलके देकर मिट्टी के साथ अच्छी तरह से मिला लूँगी। कुछ देर पहले बारिश हो चुकी है इसलिए ये मिट्टी गीले है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जब प्लांट लगाने के बाद पानी देती हूँ वो थोड़ा कम दूँगी। तो ये देखिए इस बटल में मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी, तो इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो गए है और रूट्स बाउंस भी हो रहे थे, और इस प्लांट को एक बड़े जगह चाहिए इसीलिए ये इस तरह से हो गए है। तो ये देखिए मिट्टी पूरे सूख गए है, और इस प्लांट को अभी पानी की भी ज़रूरत है, तो पानी देने से ये फिर से तरोताज़ा हो जाएगी। तो दोस्तों ये देखिए बटल से निकालने के बाद ये सारा रूट्स और इनमें ट्यूबर भी हुए हैं, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी इसको। और ये देखिए कितने सारे रूट्स बाउंस हुए हैं, तो मिट्टी देखिए पूरे भूरे है, तो इसीलिए मैंने इसको इस पॉट में लगा रही हूँ। तो मिट्टी को मैं ले लेती हूँ, और अब मैं इस पॉट के मिडिल में होल कर लूँगी, और इसके अंदर इस प्लांट को मैं बिठा दूँगी। तो होल कर लूँगी अच्छी तरह से, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आप लोग एक बार अपने गार्डन में इस प्लांट को लाकर देखिए, इसकी 1 से 100 आप बना लेंगे, बहुत ही इजी ग्रो हो जाते हैं और मरते भी नहीं हैं। और अब मैं चारों तरफ से जो मिट्टी है उससे इस तरह से भर दूंगी, और मिट्टी को थोड़ा थोड़ा हाथों से प्रेस कर दूंगी कि मिट्टी के अंदर कोई एयर पॉकेट ना रह जाए। ये करना बहुत ही ज़रूरी होते हैं, कोई भी प्लांट या कटिंग लगाने के बाद इस तरह से मिट्टी को प्रेस कर देना। तो मैं हर वक्त जब प्लांट लगाती हूँ आप सबको कहती हूँ। तो देखिए प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी थी, और यहाँ पर लगाने से और भी अच्छा हो जाएगा। और मैं अभी इस प्लांट को टेरेस में रखूँगी, तो मिट्टी को मैंने प्रेस कर दी है चारों तरफ की, पत्ते थोड़ा उलट पलट हो गए हैं तो मैं इसको ठीक कर दे रही हूँ। तो प्लांट को लगा दी है, उसके बाद की काम है पानी दे देना। तो मैं पानी दे रही हूँ अभी, और ज़्यादा पानी नहीं ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मिट्टी पहले से ही गीले है, आप लोग पहले ही देख चुके हैं इसीलिए। तो ये देखिए पानी मैंने दे दी है पॉट में, मैं तो टेरेस में ही रखूँगी थोड़ा शेडी एरिया में। और इस स्पाइडर प्लांट को
आप हल्के धूप वाली जगह पर रखेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और प्लांट की पत्ते की कलर भी अच्छी होगी। और दोस्तों इस प्लांट को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, जब देखेंगे मिट्टी सूख जाएगी तभी आप इस प्लांट में पानी दीजिएगा तो ये प्लांट बहुत ही अच्छी रहेगी। और दोस्तों गर्मी के सीज़न में आपको 2 टाइम्स ही पानी देना है इस प्लांट में, क्योंकि पानी कम देने से इसके पत्ते मुरझा जाएंगे। इसीलिए महीने में एक बार आप इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, वो केले के छिलके की फर्टिलाइज़र हो सकता है और किचन कंपोस्ट फर्टिलाइज़र होते हैं वो भी दे सकते हैं आप। जो भी आपकी मर्ज़ी है वो आप इस प्लांट में फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। और कंपोस्ट आप 2-3 महीने के बाद एक मुट्ठी भी दे देते हैं तो भी ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होते हैं। इसलिए ये प्लांट आप लोग लगा ही सकते हैं आपके गार्डन में। इस स्पाइडर प्लांट में कभी भी कोई भी इंसेक्ट की अटैक नहीं होते हैं। मेरे प्लांट तो आप लोग देख ही पा रहे हैं, एकदम फ्रेश है इसकी लीव्स और बहुत ही बढ़िया इसकी ग्रोथ है। जो लोग बिगिनर्स हैं वो लोग तो इस प्लांट को ज़रूर लगाइए, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत ही अच्छे भी है ये प्लांट। तो दोस्तों 2 जुलाई को मैंने प्लास्टिक प्लांटर से लेकर इस पॉट में इस स्पाइडर प्लांट को लगाई थी मैंने, तो आज है 27 जुलाई। देखिए प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी है और मिडिल से एक स्टिक भी निकले हैं, यानी कि पप्स निकले हैं। तो देखिए इसमें कितने सारे बेबी प्लांट हुए हैं, ये देखिए। तो प्लांट की ग्रोथ तो बहुत ही बढ़िया है, ये देखिए छोटे छोटे बेबी प्लांट है यहाँ पर गुच्छों में है और पूरे स्टिक में भी बहुत सारे पप्स निकले हैं, तो कितनी बढ़िया ग्रोथ है इसकी। तो आज है दोस्तों 31 जुलाई और इस स्टिक की ग्रोथ देखिए कितनी बढ़िया है। तो इस तरह से आप लोग आपके इंडोर में, आउटडोर में, टेरेस में, जहाँ भी आपको मर्जी इस स्पाइडर प्लांट को लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ग्रो होते हैं ये प्लांट। और बिना किसी ज़्यादा केयर के, ज़्यादा मेंटेन की ये प्लांट आपके इंडोर गार्डन को, आउटडोर गार्डन को और बालकनी गार्डन को खूबसूरत बना देगी। और ज़्यादा केयर नहीं है इसीलिए इस प्लांट को रखना कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर अच्छे लगे है तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू। छोटा हो लेकिन एक प्लांट को अपने गार्डन में रोज़ ऐड कीजिए। तो फिर मिलेंगे न्यू किसी वीडियो में न्यू किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।